After waiting for a whole month for the conflict to resolve in Punjab, our curiosity drove us back to the Silk Route, the ancient route of trade, now called the Golden Triangle. This route has helped the million-dollar business of drugs flourish, heroin, chitta in particular. In our conversation with the drug peddler and high-ranking police officers, cross-border trafficking was held responsible for the inflow of drugs in Punjab. And Delhi se Mumbai bhi jata hai, then it goes to international market. Sarkar ko kya bolna? Sarkar hi to yahan pe bhej rahi hai. Aur kaun bhej raha? Border se. To aur kya? Pakistan se aata hai. Pakistan. Now we wanted to know how drugs are smuggled into India through such closely guarded border. The Border Security Force of India, responsible for guarding the border, were the right people to answer our questions. So we met Mr. Anil Paliwal, Inspector General of BSF, Punjab Frontier. Drugs kahan se aata hai basically Punjab mein, kaise aata hai aur aapne kitna seize kiya itne time mein aur ye reason kya hai, Punjab hi kyun center bana hua hai pure India mein country mein. Jo sister agencies se feedback hai कि अफ़गानिस्तान में ओपियम प्रोडक्शन और हेरोइन प्रोडक्शन के साथ ही थ्रू पाकिस्तान इस बॉर्डर पे ड्रग स्मगलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और ड्रग स्मगलिंग की कोशिश की जाती है और इसमें एक स्पेसिफिक फीचर्स हैं कई जो इसको एक बड़ा चैलेंजिंग बॉर्डर बनाते हैं क्रॉस बॉर्डर क्राइम पर्टिकुलरली इन्फिल्ट्रेशन और ड्रग स्मगलिंग के लिहाज से 100% करीब करीब बॉर्डर एरिया में खेती होती है बॉर्डर फेंस के अहेड भी खेती होती है जो नदियां हैं वो भी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रिस क्रॉस करती हैं ये एक प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया में फास्ट मूवमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा इजी हो जाता है रिलेटिवली डेजर्ट या हिली टेरेन से इस सारे चैलेंजेस को मीट करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस इलाके में अपने डिप्लॉयमेंट की अपने काम करने के तरीके इनको बड़ा प्लान्ड वे में तैयार कर रखा है ताकि ये जो ड्रग स्मगलिंग का मेनेंस है इसको कंट्रोल किया जा सके अक्टूबर महीने में भी हमारा 50 किलो से ज़्यादा अभी तक सीजर हो चुका है ड्रग्स के पैकेट्स भी पकड़े गए ड्रग सीजर भी हुआ उसके अलावा पाकिस्तानी मोबाइल सिम और कुछ केसेस में पिस्टल्स ये भी बरामद हुई है स्मगलिंग के मेथड्स जो हैं अक्रॉस द फेंस पाइप लगाकर फेंक कर कई बार नदियों में वीड्स के साथ में जो घास होती है नदी की घास फूस होती है उसके अंदर छुपाकर जो हमारे फार्मिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी कंसील करके कंसील एंड क्लियर मेथड के द्वारा अंजाम देने की कोशिश की जाती है फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है फ्यूचर स्ट्रेटजी इसमें यही है कि जो हमारी फैंस हैं इसको भी हम कॉन्स्टेंटली इफ़ेक्टिव रखते हैं फिजिकली भी हम बेहतर बैरियर्स स्मगलर्स के लिए क्रिएटेड रखते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनको और इम्प्रूव करते हैं ताकि हम ड्रग स्मगलिंग का कोई भी अटेम्प्ट हो उसको हम न्यूट्रलाइज करें और बहुत ही कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करें गार्डिंग दिस साइड ऑफ बॉर्डर इज नॉट ईजी Yet the BSF has been doing a tremendous job in keeping this heroin named poison from entering our land. The amount of heroin seized every year will give you a shock. A total of 344 kilograms of heroin has been seized in the past 1 year. Yet some of it manages to get through. The next part of investigation was to know how it reaches to the people living away from the border. Makbulpura. A village on the outskirts of Amritsar was the best place to learn how people get access to drugs. Every third house in the village has lost a member to drug overdose, which has given it the name of Orphans and Widows Village. काफी चीजें पढ़ी हैं मैंने इंटरनेट से कि लोगों घर पे डेथ हुई है। हमारे बेटे तीन स्पेयर हो गए हैं। तीन बेटे हमारे और घर भी किसका? घर कौन से है? देखो मेरा घर। हमारा नाम शशि है हमारे तीन बेटे थे वो एक्सपायर हो गए और हमारे गांव में नशा बहुत चलता है जिसके कारण उसकी मौत हो गई तीन महीने से मेरे दो बेटे चले गए रब कर सरकार ने क्या किया कुछ नहीं किया आपने कुछ किया इसको रोकने के लिए मिलकर
मैंने तो बहुत कदम उठाया, बाकी मेरे गांव वाले लोग थोड़े डर जाते हैं, कानून से डर जाते हैं, झगड़ा करने से डर जाते हैं। कानून को तो आपका साथ देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ। कानून में आजकल तो रिश्वत के भूखे हैं, रिश्वत देंगे कानून हमारा साथ देगा? रिश्वत देता कौन है? हाँ। कौन मतलब ये? जे किसी को बुला लेते हैं गले में मल्ले में हल्ला हो रहा है, शराब दारू को हो रहा है, वो आएंगे नहीं। जब हम किसी के हाथ में 500,000 देंगे तो फिर आ जाएंगे। और मेरे मेरे नाल ये हादसा हो गया, मैं नहीं चाहती कि सारे पंजाब नाल ये हादसा होवे। हर माँ बच जाए, हर माँ का बेटा बच जाए, मैं यही परमात्मा से अरदास करती हूँ। While speaking to the villagers, we got to know of a lady named Seema, who has been often accused of selling drugs and alcohol in the village. We asked Seema for an interview to know the truth. She did not say no to the interview, but she asked us to come to her house in some time. By the time we reached to her house, she had left. Mummy, mummy, मेरी जड़ी बाहर नहीं लड़े कोर्ट लगती, ये तो पहले लगती है। काम ही है। ओ मेरे मामा जी की दर्द तो अभी तक गई है। But we managed to get hold of her daughter Soma, an accomplice of her mother in this crime, and she accepted the allegations. वो लोगों ने बताया आपके घर का पता, ठीक है? ठीक है। उस पता में लोगों ने बताया कि यहाँ पे आपकी मम्मी है, वो क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया कि शराब बेचते हो ना? हाँ, दारू बेचते हैं। दारू बेचते हो, और चिट्टा क्या बताया था? चिट्टा हीरो है ना? चिट्टा हीरोइन। और उसके अलावा क्या करती है? उसके अलावा दारू बेचती है, थोड़ी बेचती है। हाँ। 4-5 बोतल बेचती है दारू। भाई को क्या हो गया आपके? मेरा भाई ऐसे ही नशे करता था। कैसे नशे? यही जो आप बता रहे हो, चिट्टा पीता था, टीके लगाता था। हाँ। तो उसकी डेथ हो गई। पर शराब बेचना गलत काम है, बताया ना आपको? गलत काम तो है, हुण की करिए, हुण बच्चे ते पालने हैं। तो ये जो लोग क्या कहते हैं, नशे करते हैं, इनको पकड़ती है फिर? सारे नु फड़दे, हन भी फड़ के खड़दे आ। तो क्या करते हो आप लोग? की करना वा, उन्हां ते केस पै जांदा मम्मी ते। बाहर कैसे हैं? बाहर जमानत करवा के। कहां है शराब, कहां रखी हुई है, कहां से देखते हो? शराब हुण ते हैगी नहीं है ते। शराब झूठ मत बोलो। हुण नहीं है, हुण घर हैगी नहीं ते हुण मैं कित्थों गया था भी हैगी। तो मम्मी कब आएंगी? मम्मी मेरी ने शाम आना। The day in Magbulpura got us thinking if the administration has a role to play in this epidemic. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਕੌਣ ਡਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਦੇ ਦੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ। We met more people to ask about the involvement of politicians. ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਹੈ, ਤੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਕਿਤਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਸ਼ਾ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ पंजाब में बोलते हैं हेरोइन को चिट्टा है जी, अब गुरदासपुर में वो चिट्टे की चादर वो ओढ़ दी गई है कि काफ़ी हद तक बढ़ चुका है कि जो 60-70% यूथ है वो ले रहा है हेरोइन एडिक्ट है। इतना ज़्यादा बढ़ चुका है फिर भी कोई प्रशासन की तरफ से कुछ? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं इन सभी जो जो चला रहे हैं, जो नेटवर्क का जो इनका भी कनेक्शन उन्हीं के साथ ही है। We discovered that the young boys in their teens are the most vulnerable to drug addiction. Simmer from Amritsar wasn't introduced to heroin in India, but the easy availability here got him addicted. मैंने बड़ा कुछ खोया addiction के दौरान, अपनी family, relatives, relation, even अपने मेरी study. मैंने सबसे पहले drug लिए थे तो 2013 में, मैं Thailand में था, वहाँ पर बताया बीच में मैंने try किया first time heroin, फिर मैं जब India आया इंडिया के मैंने जब इसके बारे पूछा कि कई लोगों को भी आयरन कहाँ से मिलती है, कहाँ कहाँ चल जाते हैं? मोस्टली अमृतसर और उससे ज़्यादा अटारी बॉर्डर, वहाँ वहाँ पर वो गाँव है अटारी, वहाँ से ज़्यादा ज़्यादा मिलता था। कहाँ कहाँ तक कॉन्टैक्ट्स मिलने वाले? नॉट नॉट विद द मेन डीलर्स, सप्लायर्स। सप्लायर्स पैसे कौन से आते थे? पैसे घर से लेता था, घर से मम्मा को दमगा के उनको पैसे चाहिए, मैंने नशा करना है। और उनको कभी पता नहीं चला? उनको मैंने बता दिया था खुद ही, मैं लाचार हो चुका था, मैं नशा छोड़ ही नहीं पा रहा था। Simmer is going under a treatment currently in Hermitage, a rehab in Amritsar. He hadn't been to his home in a long time, so we decided to take him home and meet his mother. Simmer's mother, a single parent,
wanted us to know how challenging her journey has been. और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस था, जब आपको जब पता भी नहीं था तो आपको क्या लगता था इसको देख के कि कुछ गड़बड़ है? जी मुझे ड्रग्स बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. मैं इसके हॉस्टल में गई मार्च में, तो मैंने देखा जो बहुत वीक हो रहा है. फिर दो तीन दिन बाद जी घर आया, तो जो मैं बाहर खड़ी थी घर को आ रहा था, मैंने कहा जी सिमर नहीं है, इसके कपड़े इसकी बाजू में ऐसे ऐसे जैसे पतला सा, इसकी ड्रेस सारी बहुत लूज़ हो गई. तो जी घर आया तो मैंने कहा सिमर क्या हो गया तेरे को? नहीं मम्मा कुछ भी नहीं, मैं इसकी तरफ देखूँ तो इसको गुस्सा आ जाए. सुनते ज़रूर थे हम कि पंजाब में 6 दरिया चल रहा है, ये है वो है, स्पीच इधर उधर जहाँ भी कहीं वहाँ स्कूल में हम रहते हैं, कई लोग आते थे वहाँ, कोई ना कोई भाषण करते थे. तो कभी सीरियसली ये नहीं सोचा था कि मेरा अपना ही बच्चा उसमें फंस जाएगा. 13 अप्रैल को इसने ना आया जी, शाम को 12 को आया, तो रात को इसने मेरे को बता दिया कि मम्मा मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ. मैं क्या बताऊँ? कहता घबराना मत, अच्छी बात नहीं है. तो मैं क्या हो गया? कहता मम्मा मैं फंस गया हूँ ड्रग्स में, वो बहुत बुरी चीज़ होती है, आपको मालूम नहीं है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है. तो इतनी मैं शॉक्ड हुई जो बात सुन के मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा क्या हाल हुआ. जब फर्स्ट डे मुझे पता चला कि मेरा बेटा जो पापा के बिना मैंने बड़ा किया है, ये 2 साल 2 महीने का था जब इसके पापा चले गए. It was time to meet the representatives of these people to question them on why people who voted for them to power are now accusing them of doing nothing. We told Daljeet Singh Cheema, Punjab's education minister, about our questions and he called us for the interview the very next day. Ke har shahar mein chahe Hoshiarpur ho, Jalandhar ho, Ludhiana ho, har jagah logon ka yahi kehna hai ki nashe ki pareshani bahut zyada hai, bahut zyada hai. To aapko kya lagta hai, sarkar ko kya lagta hai, kisi kya wajah hai? Ek fashion ban gaya hai nashe ke bare mein bolna without any actual study. अपनी अपनी फिगर्स लेके लोग घूम रहे हैं, वो स्टेट के लिए भी अच्छा नहीं होता, स्टेट को डैमेज भी कर रही है, स्टेट की रेपुटेशन को भी डैमेज कर रही है. इस बात को हम मानते हैं कि पंजाब जो है एक बॉर्डर स्टेट है, हम उस रूट के ऊपर बैठे हैं, यहाँ से ड्रग्स स्मगल होती हैं, अफगानिस्तान से आती हैं, पाकिस्तान से आती हैं, आगे जाती हैं. मैक्सिमम रिकवरी भी हमारी स्टेट ही कर रही है, लेकिन रिकवरी हम कर रहे हैं उसका डेस्टिनेशन क्या होगा ये भी दिखना चाहिए. उसको सारी कंजम्पशन लोकल कंजम्पशन के लिए ये जितनी आती हैं उसके लिए नहीं होती, ये दूसरे देशों तक आगे जाती हैं. तो हमने डीपली मुख्यमंत्री साहब ने इस बात को फोकस करके हमने इस समस्या को लिया था. हमने एक कंपेन चला के जो भी इसमें इनोसेंटली फंसे हुए थे उनको रिहैबिलिटेट भी किया, जो ड्रग्स के सोर्सेज थे उस पर सख्ती से काम किया. लेकिन पहले भी समस्या जो है बहुत एग्जैजरेट करके बताई गई, इस बात का हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए. तो पंजाब में हेरोइन बड़ी आसानी से मिलती है? नहीं देखो, मैं कहता हूँ कि मैंने पहले बोला कि ये ट्रांजिट रूट है. पर सर फिर क्या वजह है कि लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम तो ऐसे कई लोगों से मिले जिन्होंने कहा है कि हम करते हैं. नहीं करते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन उतना प्रपोर्शन सोसाइटी में किसी भी टाइम में आप लगाओगे तो नशा कोई ना कोई सोसाइटी में, कभी ये नहीं कि 100% कोई नशा खत्म हो जाएगा. कई बार श्रोमणी अकाली दल पर भी आरोप लगे हैं कि आपके पार्टी के कई ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जिनका ड्रग रैकेट से या ड्रग माफिया से रिश्ता पाया गया, तो उस पर आपका क्या? देखिए आप फिर मैं पूछूंगा आपके क्या आप नाम बताएंगे तो कोई एक दो नाम लेगा छोटे वर्कर के. मजीठा जी का नाम ले लेते हैं, कोई एक भी आज तक साबित कर पाया. ये बात गलत होती है ना कि किसी का एक बार कोई स्मगलर नाम ले ले, एक नामी स्मगलर हमने पकड़ा तो उसके ऊपर हमने प्रॉपर इंटरोगेशन करके दूसरी स्टेट्स में सारी स्टेट्स में सिंथेटिक ड्रग्स पकड़ी. अगर वो गुस्से में से आप में से किसी का नाम ले देता है तो हम स्मगलर की बात को अहमियत नहीं देनी चाहिए. पर मेरा यही पकड़ कौन रहा है? वही स्टेट गवर्नमेंट पकड़ रही है. अगर हमने स्मगलर का साथ देना होता तो पकड़ देती. मिस्टर चीमा डिड नॉट डिनाई द इन्फ्यूजन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर बट टर्म्ड द सीजर्स एज पंजाब गवर्नमेंट सक्सेस बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस वर फॉर द ऑपोजिशन. हैज इट फेल्ड इन पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट? Is the current government solely to be blamed for the entire drug fiasco? Congress MLA Mohd.Sadiq, one of the most popular singers of Punjab from the 70s, told us how the opposition has been helpless too. तो सर ये सरकार में ऐसे कौन से लोग हैं जो
जिनके द्वारा नशा पंजाब में आता है? ये आज की बात तो नहीं है, ये तो बहुत देर से चल रही है, जब से ये सरकार बनी है तब से, जब से दोबारा बनी है तब से तो बहुत ज़ोर शोर से, क्योंकि सरकार को पता चल गया कि लोग जो हैं वो हमारे पीछे हैं, हम कुछ भी करते रहे। आपने लोगों के सामने लाने की कोशिश नहीं करी? देखिए, सरकार के पास पावर भी होती है, पैसा भी होता है, पावर भी होती है, दो चीज़ें होती हैं। पावर कहीं पर भी यूज़ कर लो, क्या है, कोई ख़िलाफ़ बोलता है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है झूठा। ये चलने तो ये काम किया है जी, इसलिए बहुत सारे लोग तो डरते नहीं बोलते। दूसरी रही बात मजीठिया साहब की, वो हमारे जो डिप्टी प्राइम चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ जी, उनके वो साला साहब हैं। तो एक कहावत है उर्दू में, सारी लुकाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, क्या कहेंगे। और तो आप तो ऐसे बात करें कि एकदम कांग्रेस लाचार है। बात यह है, लाचारी तो ये है कि हम लोग अपोजिशन में बैठे हैं, वो लोग अक्सरियत में हैं, हम लोग अकलियत में हैं। अकलियत की बात तो कोई भी नहीं सुनता, चाहे कोई सरकार हो भी, जनता भी नहीं। नहीं, जनता सुनती है, लेकिन मैंने आपको कहा ना, किसकी हिम्मत है जो बाजार में खड़ा होकर ये कह दे कि ये लोग फलां वजीर कर रहा है, ये बात फलां जथेदार कर रहा है, ये फलां थानेदार कर रहे हैं। उनको मालूम है शाम को पुलिस आ जाएगी, हथकड़ी लेकर ले जाएगी। जो आज के नए नए सिंगर्स हैं, वो उनके गानों में कहीं ना कहीं देखा गया है वो ड्रग्स, नशे जैसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। नशा एक कल्चर का पार्ट बन गया है धीरे धीरे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अंग्रेज तो बन नहीं सकते, हिंदुस्तानी हम रहेंगे नहीं, है जी, मुझे मालूम नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। The influence of pop music in Punjab has been bigger than one could think. It is not restricted to imitating hairstyles, but the youth wants to follow everything that these famous songs show. There are singers like Sharry Mann who are still trying not to follow the easy way. He's not only doing a great job with just music, but also as a youth icon. Personal meeting li. मैं मंथ दा एक दिन रखदा। We met him at his house in Mohali to know how his life has been as a youth in Punjab and now a star. आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस किया जो आज की यूथ कहती है कि हम नशे की परेशानी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे सारे दोस्त करते हैं? बिल्कुल कीती है मैं, बिल्कुल। मैं एवं थोनू कहां कि जी मैं बड़ा सियाणा सी, बिल्कुल नहीं सी। मैं भी इस प्रॉब्लम च रहा, और लेकिन गल है कि तुहाडी अंदर दी एक इंटेलीजेंस हुंदी है जो बंदे नू दसदी है कि यार ये चीज़ मैं जिहड़ी कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो चीज़ नू तुसी आदत बना लो। मैं मेरे नाल भी इदां होया, मैं भी इदां ही यंगस्टर्स दे विच क्योंकि शुरू तो यारां दोस्तां नाल रहे, होस्टल दी लाइफ देखी, सो असी भी इदां दा कुछ कीता। पर एक दिन रियलाइज़ होया कि ये चीज़ जिहड़ी है वो गलत है, मेरे लिए, मेरी बॉडी लई, मेरी हैल्थ लई गलत है, मेरी गायकी लई गलत है, मेरे गले लई गलत है, मेरे काम लई गलत है। सो मैं वो चीज़ नू साइड करके जिहड़ी चीज़ मेरे लिए चंगी सी मैं उन्हूं पिक कर लिया। सर, यहाँ पर तो 10 साल की उम्र से हमने देखा कई बच्चे ड्रग्स का इस्तेमाल कर। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो इहदा रीज़न ये है कि बड़ी आसानी नाल अवेलेबल है ड्रग्स जिहड़ियां ने, वह बड़ी आसानी नाल, और एक तरह का फैशन भी बन गया, प्लस जिथों मर्जी कोई भी बच्चा जाके लै सकदा। पंजाबी गानों में डोप शोप ऐसे वर्ड्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल, इसको एक कल्चर की तरह, एक ट्रेंड की तरह प्रमोट किया जा रहा है, तो आपने एज अ पार्ट ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री उसको कम करने के बारे में कभी कुछ सोचा? बिल्कुल सोचना है मैं इस चीज़ नू, क्योंकि जो लोग थोनू फॉलो करते हैं तो एक तरह की जिम्मेवारी भी हो जाती है तुहाडे ते, और मेरे ते भी ये जिम्मेवारी जरूर है कि जे मैनू कुछ यंगस्टर्स फॉलो करते हैं तो मैं उन्होंने ऐसी चीज़ दसा कि उन्हों का फायदा होवे और पंजाब का फायदा होवे। पंजाब का जिहड़ा यूथ है वह क्योंकि बेरोज़गारी होण करके, वेले होण करके, उन्हां दी जिहड़ी एनर्जी है वह फालतू जा रही है, ज़ाया हो रही है। मेरा ख्याल है उस एनर्जी नूं जे वह किसी चंगे पासे लाउण जां किसी काम वाले पासे लाउण, एक स्टैप शुरू करो पुटना, जीरो तो शुरू करो, बेशक बेशक 10 तो शुरू करो, हौली हौली एक दिन तुसीं 100 तक पहुँच जाओगे। After meeting Sharry, unemployment was added to our list of reasons behind the epidemic. But unemployment is not only Punjab's problem, but several other states in India. Then why does the youth picks up the root of addiction? Dr. J.P.S. Bhatia, an addiction psychiatrist from Rehab Center Hermitage in Amritsar,
explain many theories around addiction. He has been treating addicts for the past 15 years and his addiction center houses addicts from all the age groups. Men in their 40s, young boys, all are fighting the same battle. Dr. Bhatia brought in the medical sciences perspective. Why Punjab is submerged into drugs? We are located strategically, we are located in between that Afghanistan, Pakistan and all these borders. Mm. And the drug inflow, the arms inflow, everything happening through this area. This became the major transit point. Anything which comes from Pakistan or Afghanistan has to go through this area to Delhi. Mm. So then when the terrorism came, the last part of the terrorism was such a affected thing. The terrorism was evading, but the drugs were coming in the same flow. The drugs started to increase, the arms and ammunition were corrupt. And we had very little knowledge what was happening inside the Punjab. Till that time, we realized that it has become an epidemic of heroin and smack addiction. That is an illicit drug which was being imported from Afghanistan and Pakistan. So within no time, we earlier we thought it's just a few portion of people or few bundles of people who are using this drug. Or we always thought there were some people who didn't have anything to do, they were in the prey to drugs. But ultimately, within no time, we realized every third person, every third family in Punjab was affected by drugs. And that is the time the Punjab government and Punjab woke up to this level where we realized that it is something, it has engulfed like a cancer. There was a neuropsychogenic pain we always suffered from. So the people of Punjab suffered from pain and they always were going through the state of injustice. And you see, the state of injustice makes you more vulnerable. And this drug was the only opportunity for us to survive at that time. That lack of awareness, that yes, it is a disease that's, and I should get treated. They do not know that. You see, first I would say if the society of Punjabi society and the Punjab should have a zero tolerance towards drugs. We need to give every person who is sick has the right to come out of it. We need to tell those people who are underprivileged that they are suffering from a sickness and it is not a crime. They have not done something sin. They are just going through a disease. They need to be given dignity. They need to be given respect. They need to be heard of. Their pain has to be resolved. Despite no help from any political party, Hermitage has been able to provide a ray of hope to many. It has helped young boys like Simmer understand that there's life beyond addiction. Simmer Pratap has regained his confidence. Already an engineer, he plans to move to the US for further studies. His brave mother has become an example for other parents. We met many people during our journey in Punjab. Almost everybody was ready to blame the government for this mess. But on being asked, what step did they take to stop it? We got only one answer. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप बंद करवा दो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, इसे बंद करवा दो बस. But this group from Batala became an exception. Ranjit Akhada, a small community of men here in Batala. They teach their kids to adopt a noble lifestyle right from the beginning to keep them from straying off. This method has seemed to be working. नशे में पंजाब का जो स्थान है बहुत ऊपर आ गया है हिंदुस्तान में. कैसे पंजाब को उस चीज़ से बचाना चाहिए? उसे बचाने वास्ते मैं ये समझना हुआ कि जिन्ने इंसान ने अपनी इंसानियत को पहचानन कि जे मैं मनुख हाँ तो मैं पशु पंछी वाले काम नहीं करने चाहिए. ये वास्ते एक दूजे के उत्ते ब्लेम लाने की बजाय खुद अपना फर्ज पछाने, क्योंकि जे अज के हालात मुताबक नशे की आप गल कर रहे हैं, ये नशा फीम लै लो, भुक्की लै लो, चरस लै लो, जिन्हों चिट्टा कहिंदे लै लो, जिसकी ये बुद्धि माड़ी वो इसका सेवन करता. पर मैं समझना ये जो नशा वध रहा ना, ये टोटल दुनिया शामिल है. जोड़ा नशा एक बंदा वेच रहा तो जे लैन वाला लेना तो वेच धक्के ना देगा. तो जेडे इस दे व्यापारी ने भाएँ वो अज सियासत है तो भाएँ कोई आम यह चंगे बाने दे वेच लुकया है चोर है वो इसनों सप्लाई करता, पर ये वेच जुम्मेवार सारे ने. सर कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे इस वक्त? देखो जी, जेडे बच्चे ने ना
ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪ ਜੀਨੇ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਤਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਪਲ ਐਟ ਰਣਜੀਤ ਅਖਾੜਾ ਐਂਡ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ have made us reach to this conclusion that blaming others and doing nothing will never resolve this. Simar Pratap is a role model for those who are lost and think that there is no way out. Punjab nasha chhado, Punjab nasha chhado, nashe te aago Punjab nu bachao, drugs na le acha, se nasha na karo veero, say no to drugs, say no to drugs, say no to the drugs. Punjab de youngsters nu meri ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ। ਹਮਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਸਥ ਔਰ ਸਜਗ ਔਰ ਸਕਸ਼ਮ ਭਾਰਤ ਕਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਹਮ ਤੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਕਤੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇ ਆਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਆਗੇ, ਕਿ ਭਈਆ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਦੁਸਕਤੀ ਹੈ ਹਰ ਕਲੀ ਔਰ ਸਹਿਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੀ, ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੀ, ਐਂਡ ਆਲ ਵੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮੂਥਲੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਟਰਲੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਡਰਗ ਅਬਿਊਸ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ।